वेलकम बैक टू राशि की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स दाल स्टीम रोल, जो कि बहुत हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए आज की रेसिपी है बच्चों के लिए। हमने लिया थे दो छोटी कटोरी, मैंने लिया था चावल, एक कटोरी मैंने ली थी मूंग दाल, एक कटोरी ली थी उड़द दाल और एक कटोरी ली थी मैंने चना दाल। उनको रात में भिगो के मैंने इसे सुबह मिक्सी में से पीस लिया है। अभी हम इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। दाल चावल को तो मैंने पीस लिया था, तीन मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में दरदरा पीस लिया है, एक प्याज जो मैंने काट लिया है, नमक लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है और मैंने लिया इनो। अब हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आलू को हमें ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 90% या 95% ही सिर्फ बॉईल करना है। आलू को हमें ग्रेट कर लेना है और इसकी हमें स्टफिंग रेडी कर लेना है। आलू को हमने ग्रेट कर लिया है, अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी गरम करने के लिए और मैंने ऑयल भी डाल लिया। तेल हमारा गरम हो गया, हमने उसमें राई डाल ली है, अब हम उसमें आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं, प्याज भी डाल देते हैं। अब हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। प्याज को हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हम भून लेते हैं। इसमें हम जो हरी मिर्च और उसको दरदरा पीस लिया था वो भी डाल देते हैं, तो लहसुन भी डाल देते हैं इसमें पीसा हुआ। इसको भी अच्छे से भून लेते हैं। मसाला हमारा भून के रेडी, अब हम इसमें आलू डाल लेते हैं और इसे अच्छे से पका लेते हैं। इसमें आलू है, आप इसकी जगह कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे बच्चों को जो पसंद हो, आप इसमें पनीर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच और नमक टेस्ट अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला बनके हमारा रेडी है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 2-3 मिनट के ठंडा होने देंगे, तो इसके रोल बना लेंगे। मसाला हमारा ठंडा होके रेडी हो गया, अब हम इसके रोल बना लेते हैं। और एक तरफ मैंने गैस पे पानी रख दिया था गर्म करने के लिए, अब हम इसके रोल बना लेंगे और हम इसको ग्लास में स्टीम करने वाले, इसके लिए उसके हिसाब से हमें इसके रोल बनाने हैं। जैसे कि ग्लास हमारा इतना है, ग्लास ऐसे, तो इसके हिसाब से हमें रोल बड़े या छोटे बनाने हैं। अब थोड़ा छोटा ही बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना, क्योंकि बड़ा बन जाएगा और हमें स्टीम के लिए इसमें जगह भी देनी है, ये फूल जाएगा इसीलिए। रोल हमारे बनके रेडी हो गए, अब दाल चावल का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें नमक डाल देते हैं। और हरी मिर्च जो हमने पीस ली थी वो भी डाल देते हैं इसमें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें इनो डाल देते हैं। इनो डालने के बाद हमें इसे तुरंत हिलाना है। देखो ये अच्छे से फूल गया। अब हम इसे जल्दी से ग्लास में डाल के स्टीम कर लेना है, क्योंकि ये हो गया। मैंने ग्लास को भी ऑयल लगा के ग्रीस करके रेडी कर लिया। अभी हम इसे ग्लास में डाल लेते हैं। मैंने एक डेढ़ चम्मच बैटर डाल लिया। अब हम इसमें ये रोल लग देंगे आलू का, और इसके साइड से ये मिश्रण डालते जाएंगे। हमें इसे थोड़ा खाली रखना है, जैसे कि स्टीम होने के बाद फूल जाएगा, इसके लिए। अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देते। हमने इसे स्टीम होने के लिए रख दिया है। पानी भी अच्छे से गर्म हो गया। अब हमें इसे कुकर का ढक्कन लगा के रखना है। मैंने कुकर के ढक्कन की अंदर से रिंग भी निकाल ली है और इसकी व्हीसल भी निकाल ली है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसे 15 मिनट के लिए हमें फुल फ्लेम में इसे स्टीम करना है, और 5 मिनट के लिए हमें कम फ्लेम पे करना है। पहले हम फुल फ्लेम पे करेंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं स्टीम हुआ कि नहीं। देखिए अच्छे से फूल गए। अब हम इसमें टूथपिक डाल के देखते हैं कि हमारे टूथपिक जो क्लीन निकली। अब हम इसे निकाल के रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर पे ये हमारे ठंडे हो गए। अब हम इसे चाकू से सही तरह से निकाल लेते हैं। हमें इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देना है, नहीं तो ये निकलेंगे नहीं अच्छे से ग्लास से। अब हम इसे ग्लास से निकाल लेते हैं। देखिए निकल गया है। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेते हैं गैस पे। हमने गैस पे कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। अब हम इसमें मस्टर्ड डालेंगे। हम इसमें जीरा भी डाल लेते हैं, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। हम अब थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं। पानी हमें बस थोड़ा सा ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना। अब हम इसे ये रोल ले लेंगे और इसको ये हमारे शैलो फ्राई हो गए। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे 2 मिनट के ठंडा करने के बाद काट लेते हैं। देखिए कितने अच्छे बने, आप देख सकते हैं। ये ठंडा हो गया, इसे हम काट लेते हैं। हमें इसे हल्के हाथ से ही काटना है, ज्यादा इसके ऊपर हमें प्रेशर नहीं देना। बच्चों को टिफिन में देने के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है और हेल्दी भी बहुत है। स्टीम रोल बनके हमारे रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने। आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। इसे सॉस के साथ या चटनी के साथ आप खा सकते हैं, और आप भी घर पे इसे जरूर ट्राई कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा क्या कैसे बने। और आप भी जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।